ऊपर किसे उबारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग की हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ और मैं गीत नया गाता हूँ। तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सभी ग्रामवासियों से मेरा एक अनुरोध है कि इस अटल जी की कविता को चरितार्थ करें और हार न मानने की कसम खाएं और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाए। इसी के साथ मैं अपनी बहू को विराम देता हूँ। मैं धन्यवाद भारत माता की, भारत माता की जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्गों के चरणों में अपना शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ और आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए, आज एक ऐसे महामानव का जन्मदिन है कि जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर पूजा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, कितना महान व्यक्तित्व था, देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक एक क्षण अपने जीवन का इस भारत माता की सेवा में समर्पित कर देने वाले ऐसे महान योद्धा का जन्मदिन हम मना रहे हैं। और हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। जब वो प्रधानमंत्री थे तभी यह देश विकास के रास्ते पे आया और वो कोई बहुत उद्योगपति के घर में पैदा नहीं हुए थे, वे छोटे से प्राइमरी के टीचर के घर में पैदा हुए थे। कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर राजघराने में टीचर थे, उनके घर में पैदा हुए, आरएसएस से जुड़ गए बचपन में और जब सन 57 में पहली बार वो लोकसभा के अंदर जीत करके गए, उन्हें बोलने का मौका मिला और जब उन्होंने अपना वक्तव्य लोकसभा के अंदर दिया और जाकर के अपनी सीट पर बैठे, अकेले एक दो सांसद उस समय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ होती थी उसके जीत करके गए थे, तो पीछे सीट मिलती थी सबसे पार्लियामेंट के अंदर, दो लोग थे, कौन पूछता है जहां संख्या कम होती है। तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया कि इस लड़के को बुलाओ और बुलाए, आशीर्वाद दिया और पीठ पे हाथ रख करके कहा कि ये लड़का एक देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस सीट को सुशोभित करेगा जिस सीट पे जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए थे। तो जिसके अंदर कुछ काम करने की तमन्ना होती है, जिसके अंदर भगवान क्षमता बना करके देता है,
जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है वो पूत के पाम पालने में दिखना शुरू हो जाते हैं। वही अटल जी के साथ हुआ, 6 साल प्रधानमंत्री रहे, 6.5 साल किसी ने एक आरोप नहीं लगाया। विरोधी भी उसके उनके सामने जब खड़े होते थे तो प्रणाम करते थे और कहते थे अटल जी जैसा महान व्यक्तित्व तो इस दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ है। उसी के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, किस तरह से देश की सरकार चल रही है। आप याद करो जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रोज घोटाले होते थे, रोज अखबार में नया नया घोटाला आता था। किसी दिन यूरिया घोटाला हो गया, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कभी सेना के हथियार खरीद में घोटाला हो गया, कभी जमीन का घोटाला हो गया, कभी आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया, ऐसे रोज घोटाले, कोयला घोटाला हो गया। और जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, कोई विरोधी भी आरोप नहीं लगा पाता है। अभी कांग्रेस ने झूठा आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि जो ये हथियार और जहाज खरीद का झूठा आरोप लगाते हैं वो गलत है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जो बचपन से व्यक्ति का निर्माण होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है। यदि आप बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाओगे तो वो अपने सामाजिक जीवन में जब जाएगा, सार्वजनिक जीवन में कुछ कर पाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अनेकों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपने दम पे अपने पुरुषार्थ के साथ बढ़ते हैं राजनीति में और नेतृत्व करते हैं और अपनी छाप छोड़ करके जाते हैं। उसी परिपेक्ष में, उसी रास्ते में चलने की हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम क्षेत्र के अंदर हो। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतना स्वागत किया, बहुत सारे 10 ब्लॉक प्रमुख होंगे पूरे जिले के अंदर, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि काम की बात हो, मैं जहां जाता हूं पहले काम करा देता हूं, उसके बाद उस गांव में जाता हूं। यहां मैंने अपने आप को साबित किया। अभी नावली में सभा हुई थी, 20 दिन हुए होंगे, 1 महीना हुआ था, वहां पे खरंजा लगा, यहां पे लगा और पूरे क्षेत्र के अंदर, ये तो मैंने 1 साल पहले करके दिखा दिया था कि पूरे ब्लॉक के अंदर एक गांव ऐसा नहीं था जहां मैंने काम नहीं करा दिया हो, एक गांव कोई ढूंढ के ला दे। और आज भी बड़े दावे और विश्वास और आपके आशीर्वाद के साथ कह रहा हूं, पूरी माठ विधानसभा के अंदर चले जाओ, वहां भूड़ी से शुरू होती है और खुर्सी गांव पड़ता है गुजरों का, एक गांव ढूंढ के ले आओ जहां आपके इस बालक ने कोई न कोई विकास का काम नहीं करा दिया हो। करने के लिए अपने अंदर एक भावना चाहिए। अपने आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में उसे सब कुछ करना है और शरीर के अंदर सीमित एनर्जी होती है, सीमित ताकत होती है। उस ताकत को आप चाहे तो किसी का नुकसान करने में लगा लो, किसी का विरोध करने में लगा लो, किसी को आगे बढ़ाने में लगा लो, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा लो, जनता की सेवा में लगा लो। उसी 24 घंटे में आपको काम करना है। तो मैंने तो ये साबित किया और मैंने कोशिश की कि अपने क्षेत्र को, पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लगातार जिला केंद्र से 70 किलोमीटर दूर का, 60 किलोमीटर दूर का क्षेत्र है। नौजीर वाजना के नाम पर अधिकारी भी आने में डरते हैं, अच्छे अधिकारी भी इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहते कि बहुत दूर है। पर मैंने ये व्रत लिया, ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा और मातृभूमि का जो कर्जा होता है वो तो जीवन भर कोई चुका ही नहीं सकता। चौधरी राजेश सिंह जी, चौधरी राजेश सिंह जी, चौधरी राजेश सिंह जी की। सड़कें टूटी पड़ी थी, बिजली आती नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, गांवों में अंधेरा रहता था। कौन सा ऐसा काम था जो इस क्षेत्र में हुआ? और उसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्षेत्र का विकास राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार में कभी इस क्षेत्र का कोई सहयोग नहीं रहा, कभी कोई मदद आपने सरकार में जाने वाले लोगों की नहीं की। क्यों? क्योंकि हम तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। यही कारण रहा कि इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया। जो जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, चुन करके गए, उन्होंने इस क्षेत्र के साथ दुराभाव किया और निराशा का भाव किया, इसी कारण से ये पिछड़ा हुआ। और मैंने सोचा
आप लोगों की सेवा में समर्पित हुआ। ब्लॉक की निधि से कोई बहुत काम नहीं हो सकते, और मैं तो कहता हूँ प्रधान जी यहाँ बैठे हुए, चाहे आप बीडीसी चुनते होंगे, चाहे प्रधान चुनते होंगे, ब्लॉक प्रमुख चुनते होंगे, एमएलए चुनते होंगे, एमपी चुनते होंगे, और सबको अपनी एक निश्चित निधि मिलती है। 5 करोड़ रुपए सांसद को मिलते हैं, 1.5 करोड़ रुपए विधायक को मिलते हैं, ब्लॉक प्रमुख को मिलते हैं, प्रधान को मिलते हैं, और वो उसके खाते में आते हैं, प्रस्ताव बना करके देता है और काम हो जाता है। ये सही है गलत है? मेरा ऐसा कहना है कि ये जो काम होता है, सरकार जो निधि देती है, उसमें जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होती है। केवल एक कागज का टुकड़ा लिख करके देना है, निधि आ गई, प्रस्ताव बना करके दे दिया, इंजीनियर जाकर के, ठेकेदार जाकर के रोड बना देगा, इसमें उसने क्या किया? विधायक जी के खाते में पैसा आया, विधायक जी ने खर्च कर दिया, प्रधान जी के में आया, प्रधान जी ने कर दिया, सांसद जी के में आया, सांसद जी ने कर दिया। उस निधि के अलावा यदि कोई काम करता है तो वो उसको उसका श्रेय जाता है, नहीं तो सरकार पैसा भेज ही रही है। पूरे क्षेत्र में 3000 सोलर लाइट लगी है, 1 साल के अंदर 500 हैंडपंप लगवाए मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर, अनेकों सड़कें बन रही है, सीसी रोड बन रही है। मैं लिस्ट लेकर के बैठूंगा तो 1 घंटा लगेगा, और मैं चुनौती देता हूं, कहता हूं सभी पार्टियों के नेताओं से, आ जाओ जरा दो दो हाथ कर लो, लड़ाई झगड़ा तो बहुत करवाते हो, FIR और मुकदमेबाजी तो बहुत कराते हो, जरा जनता की सेवा में विकास के काम करा के देख लो कौन आगे निकलता है। मैं तो इस भावना के साथ काम कर रहा हूं। आप जो भी काम बताओगे, काम यदि आदमी चाहे, जो खेत में किसान काम करने जाता है तो उसे लगता है कि बहुत बड़ा काम है, बहुत खेत पड़ा हुआ है, काट ये खेत काटना है, पर जिस दिन वो करना शुरू कर देता है, 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में वो जो खेत सामने काम दिख रहा होता है वो पूरा होता है, और उसको विजयश्री मिलती है किसान को। उसी तरह से सेवा का काम है, उसी तरह से विकास का काम है। आपको लगता होगा कितने अभी मैं उस दिन रोड का उकर के आया, लोकार्पण आया, सल से लेकर के सतीकपुर कितने इतने गड्ढे थे, 40 लाख रुपए का काम है, कोई करा के दिखा दे। पर होगा तभी जब आदमी मन से सोच लेगा, जब वो करने के लिए घर से बाहर निकल जाएगा और उसकी सुनने वाले लोग होंगे। मेरे साथ तो ये सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी में और RSS में काम करता हूँ, और नहीं आज के नेताओं की क्या स्थिति है, आज इस पार्टी में, कल दूसरी में चले गए, परसों तीसरी में चले गए, अब इसकी सरकार आ गई तो इसमें आ गए, अब उसकी सरकार चली गई तो उसमें चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चारों पार्टियों का झंडा गाड़ी में रख के चलते होंगे, पता नहीं किसकी सरकार आ जाए और उसी का झंडा लगा के चलना शुरू कर दोगे। पर मैंने त्याग और तपस्या किया, भारतीय जनता पार्टी में जन्म हुआ, और ये भी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी में ही मृत्यु होगी। सेवा के लिए जो निकले वो बड़ा बड़ा जिम्मेदारी का काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। और आप जो है जीवन में किसी क्षेत्र में जाओ, बच्चा पढ़ता है, लिखता है, पढ़ लिख करके कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, एक एग्जाम पास करके IAS बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, और जब वो अपने सार्वजनिक जीवन में जाता है, अपना काम करता है, तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छा है, यदि वो अच्छा डॉक्टर होगा तो। इंजीनियर ने बढ़िया बिल्डिंग बनाई होगी तो कहेंगे भाई बहुत बढ़िया इंजीनियर है। मास्टर साहब बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे तो उनके गुरु जी बहुत अच्छे हैं। और नेता चाहे कितना भी बढ़िया काम कर ले, उसे रोज परीक्षा देनी है और रोज आलोचना का शिकार होना है, पर उस आलोचना में से अपना जो है सकारात्मक लेते हुए, अपनी सोच को सही रखते हुए जो काम के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा उसी को सफलता मिलेगी। उसी का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ज्यादा समय लूंगा नहीं। आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ मुझे जो जिम्मेदारी दी है, आप कोई काम बता दो, सड़क बनवाना, CC बनवाना या इंटरलॉकिंग बनवाना तो बहुत छोटे काम है, ये तो सब हो ही जाएगा जैसे जैसे, पर उसके लिए आवश्यकता ये भी है कि हमें एकजुट रहना होगा। आप काम करा रहे हो, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे आगे मैं कह रहे थे पंडित जी, वो सब ठीक नहीं है, उससे कोई भला थोड़ा ना होता है किसी का। सरकारी काम है, करोगे तो करोगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, उससे परेशानी किसको की? मेरे बच्चे वहां रहने आ रहे हैं या किसी और कारण रहना, तो आपको ये 24 घंटे। एकता में बड़ा ताकत होती है, और एकता के साथ, संगठन के साथ यदि गांव आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विकास के रास्ते पे जाएगा।
आप लोगों ने बहुत सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काम बताओगे मैं तो सेवा के लिए बैठा ही हुआ हूँ। आराम से करा लो, बहुत अच्छी बात है। डांट डपट के कराओगे तो करा दूंगा। आप बताते जाओ, मैं काम कराता जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी राजेश अतिथि हमारे मुख्य अतिथि राजेश चौधरी, सबके लिए पहले मेरी राम राम स्वीकार। मैं थोड़ी सी तुम्हें प्रमुखों की को सुनाता हूँ। प्रमुख जो बनते हैं और उनने क्या क्या किया है हमारे यहाँ में, जब से मेरी सूची समाज है, जब से पहले पद तो भये हमारे ढालगढ़ी के प्रमुख शंकी राम लंबरदार, उन्हें एक लोहा नहीं लगाया है। और दूसरे नंबर पर भये हमारे चतुर सिंह, उन्हें एक लोहा कहीं नहीं लगाया, कोई विकास नहीं किया। फिर हमारे तीन चार पोतर रतन सिंह हरकत परवा, रतन सिंह बाप बहु थोड़ा सब है, उन्हें कोई कठ नहीं किया। और हमारे ये ललित जलेरिया वाले भय, इन्हें कोई कुछ नहीं किया। और जैसे कि भय जो एक शहर है थोड़ी सी, मोहन तेरी मुरली बांस की है, यदि ये बाजती है तो सबको मोहित कर देती है, यदि ये सोने की होती तो जन कहा कर देती थी। कि हमारे राजेश जो प्रमुख भये, इन्हें तो धरती पर सुर